कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? जी अभी तो नहीं। नहीं, आपने 1000 रुपए के इनाम का अनाउंसमेंट तो करा दिया था ना? जी। तो फिर 2000 करा दीजिए और ये लीजिए किशोर का फूल। आप घबराइए नहीं मिस्टर अशोक, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे यकीन है शाम तक जरूर पता चल जाएगा। आप तशरीफ रखिए, बस किसी भी तरह पता चल जाए। और सुनिए, स्टेशन पर पुलिस का जाना बहुत जरूरी है, और वो जो बाहर खाना बदोश की बस्ती है ना, वहां भी पुलिस जरूर भेज दीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब कि थोड़ी देर के लिए सारी पुलिस इसी काम पर लगा दी जाए, किसी भी तरह मेरा किशोर मिल जाए मुझे। डैडी, किशोर, डैडी, किशोर, किशोर मेरे बेटे, बेटे कहाँ चला गया तू, कहाँ खो गया था तू? डैडी, आप ही खो गए थे। हाँ बेटा, मैं ही खो गया था। डैडी, यही हमें लाई है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कहाँ मिलाई आपको? एक गली में। इंस्पेक्टर साहब, 1000 रुपये आप इन्हें दे दीजिए। जी, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, कितना रुपया चाहिए आपको? दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं होता, रुपया लेकर मैं इंसानियत को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, ये तो मेरा फर्ज था। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? कोई बात नहीं। अच्छा किशोर, चलते हैं। किशोर, नमस्ते। 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 अच्छा नमस्ते। नमस्ते। सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। अर्थात के पिता और पुत्र का शीघ्र ही मिलाप हो जाएगा। मिलाप हो चुका मास्टर जी। मेरे बेटे तू आ गया? आ मेरे बेटे, आ मेरे शिष्य, मेरे गले से लग जा बेटा। देखो बेटा, आज से अकेले मत जाना, भगवान तेरी लीला अपरंपार है, खुद ही बिगाड़े और खुद ही संवारे। अरे चंदा, मुंह क्या तक रही है, जल्दी जाकर 25 रुपए के पैसे बटवा दे फकीरों में, आज के दिन तांबे का दान होना चाहिए। हाँ देखो, ये लो 10 रुपए का नोट, मेरा बेटा आ गया है। मेरी तो जान ही निकल गई थी मास्टर जी। अशोक बाबू, मैं खुद बड़ा परेशान रहा हूँ, यहाँ गया, वहाँ गया, इधर गया, उधर गया, न जाने कहाँ कहाँ गया, आखिर में भगवान की शरण आ गया है। अच्छा ये तो बताइए, ये कैसे मिला, किसको मिला और कहाँ मिला? पुलिस स्टेशन पर इसे एक लड़की ले आई थी। हाँ? लड़की? बेटा जा जाकर तुम अब दो, चल 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 चल। लड़की? अशोक बाबू, किशोर की देखभाल के लिए एक लड़की होनी ही चाहिए, और वो लड़की आए इस घर में आपकी पत्नी के रूप में। लड़की की बात छोड़िए मास्टर जी। छोड़िए? ये छोड़ने वाली बात नहीं है अशोक बाबू, जोड़ने वाली बात है। याद है चाची जी जाने से पहले उठते बैठते अपनी भतीजी के बारे में आपसे कहा करती थी? मैं तो कहता हूँ फौरन उनकी बात मान जाइए, किशोर की देखभाल का भी इंतजाम हो जाएगा और चाची जी भी अपनी भतीजी से बेफिक्र हो जाएगी। मास्टर जी, ये बच्चे की देखभाल सिर्फ माँ ही कर सकती है, और मुझे यकीन नहीं कोई भी सौतेली माँ आकर मेरे किशोर को संभालेगी। खैर शादी तो मैं नहीं करूंगा, मगर किशोर के लिए कुछ इंतजाम जरूर कर दूंगा। अच्छी बात है, तो छोड़ना जरूर चाहिए। मैं सच कहता हूं कि आप किसी गलत जगह आ गई हैं। ये अशोक बाबू का बंगला है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। फ्लोरा फाउंटेन के राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड घूमकर ना किसी सीधा चली जाइए, वहां उनका दफ्तर है, वहां। ओह माय गॉड, हमको मालूम है, इसने हमको बुलाया है। तुमको बुलाया है? क्यों बुलाया है? उन्हें गवर्नेस की जरूरत है। गवर्नेस? क्या मतलब? वाह, आप भी खूब है बच्चे की देखभाल करने के लिए। अच्छा समझा। ये इंतजाम किया है किशोर के लिए। देवी जी, आप ये बताइए कि क्या गवर्नेस बच्चे को पढ़ाती भी है? अगर जरूरत पड़े तो। तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो मौजूद हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं किशोर को पढ़ा रहा हूँ, उसके बाप को मैंने पढ़ाया था, अगर आप चाहें तो आपको भी पढ़ा। माफ कीजिए, आप इंतजार कीजिए, वो अभी आते ही होंगे।
नमस्ते। नमस्ते, आप यहाँ कैसे? जी, मैं मिस्टर अशोक से मिलने आई हूँ। अच्छा, फरमाइए, मेरा ही नाम अशोक है। ओ, आपको एक गवर्नेस की जरूरत है ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। क्यों मजाक कर रही हैं आप? अभी उसी दिन तो आपने 1000 रुपए ठुकराए थे, आप 200 रुपए की नौकरी करेंगी? वो मेरा इंसानी फर्ज था और ये मेरी जरूरत का सवाल है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, बिल्कुल अकेली हूं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपके बच्चे को कोई तकलीफ ना होने पाएगी। डैडी। हेलो किशोर। हेलो। रहने दीजिए, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। कोई बात नहीं। कितने गंदे हो रहे हो बेटा, बिन माँ का बच्चा है, इसीलिए भटकता फिरता है। अगर आज इसकी कोई देखभाल करने वाला होता तो क्या इसकी यह हालत होती? दीदी, अब ये आपके सुपुर्द है। देखिए, मैं अपनी जिंदगी आपको सौंप रहा हूं। विश्वास कीजिए, मैं कोई कसर उठाने की रखूंगी। घबराइए नहीं, ये तुम्हारी पालतू बिल्ली है, आइए। लीजिए, वो आ गए। अशोक बाबू, आपने जो गवर्नेस के लिए इश्तेहार दिया था उस बारे में लड़कियां मिलने आई हैं आपसे। मगर गवर्नेस तो मैंने रख लिया है मास्टर जी। आई एम सो सॉरी। ये हमारे मास्टर जी हैं, बिल्कुल घर ही के आदमी समझिए। इन्होंने मुझे भी पढ़ाया है और अब किशोर को भी पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आप जरा किशोर की देखभाल अच्छी तरह कीजिएगा। बाकी रहा पढ़ने लिखने का सवाल, कभी आप भी कुछ भूल जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं यही रहता हूँ। अच्छा अशोक बाबू, मुझे जरा बहन को पत्र लिखना है। अच्छा जी, अच्छा, नमस्ते, नमस्ते। बेटा आई। इस घर की कर्ता धरता सब मेरी चाची है, आजकल अपने भाई के यहाँ गई। हर वक्त किसी किसी को डांटती रहती, मगर दिल की बड़ी साफ है। किशोर, चो किशोर। अरे देखो, सूरज निकल आया है, सुबह हो गई है, आ उठो। ऐसी जल्दी क्या है आंटी? अरे अच्छे बच्चे तो बहुत सुबह उठा करती है। लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती आंटी। अब तो भूल गई, हम सुबह जगा दिया करेंगे। अच्छा आजा, आजा। आओ, अब मुंह हाथ धोएंगे और फिर भगवान की प्रार्थना करेंगे। भगवान की प्रार्थना किस लिए? इसलिए कि वो हमें सब कुछ देता है। खिलौने भी देता है? खिलौने भी देता है। अच्छा तो जरूर चलो चलो चलो।
मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। अरे आज तुम इतनी सवेरे सवेरे कैसे उठे बेटे? आंटी ने उठाया भगवान की प्रार्थना के लिए। अच्छा हाँ, वही तो हमें सब कुछ देता है, खिलौने भी देता है। आप भी प्रार्थना किया कीजिए बेटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब अपने आप करके दिखा। अच्छा 1 2 3 4 4 5 6 7 8 देखा मास्टर जी? हाँ हाँ देख रहा हूँ चंदा, मुझे तो झांसी की रानी याद आ रही है। 2 1 2 1 2 1 ऐसे तेरा हाथ ऊंचे करके। हाँ 1 1 2 1 2 डैडी। अरे वाह बेटे वाह। कॉमी किशोर क्या हो रहा है? अच्छा तो आप फिर दो दो हाथ हमसे भी हो जाए। ये लो भाई, आ जाओ। अच्छा भाई तुम ही जीत गए, तुम ही जीत गए, बड़े पहलवान होते जा रहे हो तुम। आंटी कसरत जो कराती हैं। अच्छा अच्छा भाई किशोर चलो नाश्ता तो कर लो। अच्छा चलिए। देखा कितनी मेहनत से किशोर को कसरत करा रही है। रहने भी दो मास्टर जी, ये बेशरम किशोर को क्या कसरत कराएगी, वो तो उछल कूद के अशोक बाबू को रिझा रही थी। आने दो चाची जी को, इसके ये लक्षण देखकर वो इसे इस घर में पानी भी न पीने देंगे। लो बेटा चाय लो। नहीं डैडी, बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, दूध पीना चाहिए। क्यों आंटी? हाँ किशोर, बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, मगर आप तो लीजिए। जी हाँ मैं भी लेती हूँ। बैठिए। थैंक यू। ये चाय भी खूब चीज है, सेहत के लिए बेहतरीन है। गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है और सर्दियों में गर्म चाय गर्मी पहुंचाती है। और क्या खूब किसी ने कहा है, रहने दो। तो कहा है कि रोज चाय पियो और बहुत दिनों जियो। यकीन जानिए सुबह सुबह दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। मास्टर जी। ओह आ बेटा, सुबह सुबह दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। नहीं बेटा दूध पी कौन रहा था, मैं तो ऐसे ही देख रहा था दूध को कि दूध भला कोई पीने की चीज है, ये तो देखने की चीज है। आओ अब रीडिंग बंद। अच्छा ये बताओ किशोर, दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? कुतुब मीनार। नहीं कुतुब मीनार तो सिर्फ 228 फुट ऊंची है किशोर, दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वो कितनी ऊंची है आंटी? वो तो 1250 फुट ऊंची है। 1250 फुट? तब तो वो आसमान से भी ऊंची होगी। नहीं किशोर आसमान से ऊंची नहीं, आसमान तो बहुत ऊंचा होता है, आसमान से कैसे ऊंची हो सकती। अच्छा आंटी अब ये बताइए, कंडा को हाथ से नाक साफ करती है, उसके लिए तो रुमाल है किशोर। कोई दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल पूछे तुमसे? अच्छा तो तुम ये बताओ कि अबे किशोर क्या हो रहा है? हेलो डैडी। हेलो क्या हाल है बेटे? बैठी बैठी कैसी प्रोग्रेस है इसकी? अब ठीक है, बहुत तेज बच्चा है। डैडी एक बात बताएंगे? हाँ दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग भाई तो बताओ। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग।
न्यू ईयर। शाबाश शाबाश, वाह बेटे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो गए भाई। सब आंटी की मेहरबानी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है किशोर। तुम्हारे डैडी भी तो बहुत अच्छे हैं, है ना आंटी? अच्छे हैं ना? बताइए, अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे। क्यों भाई किशोरी, क्या बातें हो रही हमारे खिलाफ? आपके खिलाफ कहाँ, ये तो नई बतखें दिखा रहा था। डैडी, आंटी कहती हैं क्या बहुत बुरा है। किशोर झूठ। नहीं डैडी, आंटी कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं। मास्टर जी। ओ चंदा, आओ क्या बात है बताओ, जल्दी आ। मास्टर जी मुझे तो इस लौंडिया के लक्षण अच्छे नजर नहीं आते, चाची जी को लिख दो फौरन आ जाए, बड़ा टेढ़ा मामला है। तुम्हें तो आजकल सब कुछ टेढ़ा ही नजर आता है। अरे मास्टर जी मेरी आंखों से तो देखो, अगर यही हालत रही तो कुछ दिन में घर की मालकिन बन के बैठ जाएगी। आए? हाँ, और तुम लिख दो कि चाची अकेली ना आवे, अपनी भतीजी को साथ लेती आवे और आके इसका पत्ता काटे। बात का बतंगड़ बनाना हो बात है तुम्हें, जा जाने लिखता चल भाग। तुम नहीं लिखोगे तो क्या खत नहीं लिखा जाएगा? मैं किसी से भी लिखवा लूंगी। अरे जाना लिखवा ले जिससे जी में आता है, हर वक्त बड़बड़ी करती रहती है, चिल्लाती है, ना जाने में किस काम जा रहा था, फिर वही जाना पड़ेगा। अच्छा ये सवाल भी कर लिया तुमने। हाँ सब काम खत्म हो गया, अब तो हमें एक कहानी सुनाइए आंटी। अच्छा अभी सुनाते हैं, तुम बिस्तर में लेटो चलकर, हम सुनाते हैं कहानी। लेट जाओ किशोर। अच्छा अब हमें कहानी सुनाइए आंटी। हाँ कहानी सुनाते हैं, तुम शाम की कहानी सुनोगे? हाँ। अच्छा तो शाम एक बहुत अच्छा लड़का था। मुझसे भी अच्छा? नहीं तुमसे अच्छा तो नहीं, तो शायद तुम्हारे जितना अच्छा होगा वो। उसकी माँ थी ना जो शाम की, उसको बहुत प्यार किया करती थी। जितना आप मुझे प्यार करती हैं। नहीं किशोर, इससे भी ज्यादा। क्यों? वो तो उसकी माँ थी ना, माँ के प्यार का छोर नहीं होता। किसी कवि का गीत है, इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती है जितना। गीत तो हमें वो गीत सुनाइए आंटी। गीत सुनोगे तुम? हाँ। अच्छा इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती जितना। इतना प्यार करेगा कौन, माँ करती है जितना। इतना प्यार कर
करती है जितना इतना प्यार करेगा कौन। अच्छा आंटी, आप भी तो हमें बहुत प्यार करती हैं, क्या आप हमारी माँ नहीं बन सकते? बताइए, क्या आप हमारी माँ नहीं बन सकते? ठीक है, देखो तुम्हारे डैडी आ रहे हैं। किशोर बेटा, अभी तक सोए नहीं तू? दादी, क्या आंटी हमारी माँ नहीं बन सकती? इनसे कहिए ना कि हमारी माँ बन जाए, कहिए ना। चलो किशोर, बिस्तर में ले तो, ऐसी बातें नहीं क्या करते। डायरी रखी थी जी, यहाँ तो नहीं, उधर रखी होगी। मेरा ख्याल है यहीं कहीं रखी। आशा, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ। साहब, किशोर आपके इंतजार कर रहा है। मैं भी आता हूँ जी। वो बहुत शोर मचा रहा है। अच्छा अच्छा, किशोर बेटा, जरा मैं अपने पास ले आऊँ। अच्छा, अभी आए। ये कहना चाहता था डैडी, डैडी चलिए ना, देर हो रही है। अच्छा भी चलो। अपनी आंटी को भी ले लो ना। हाँ आंटी, आप भी चलिए हमारे साथ। मैं क्या करूंगी जाकर, तुम जाओ। हाँ चलो ना आशा, किशोर तुम्हारे बगैर नहीं जाएगा। क्यों किशोर? हाँ आंटी, आपको चलना ही होगा। अच्छा चलो। डैडी आपने पर्स ले लिया या नहीं? पर्स? पर्स तो मेरे पास ही है। अच्छा, चलो भाई किशोर, आप कहीं घूमा जाए। चलिए डैडी। चलो। चाहे मैं न चुराओ, चाहे दामन बचाओ, प्यार हो के रहेगा, प्यार हो के रहेगा। चाहे मैं न चुराओ, चाहे दामन बचाओ, प्यार हो के रहेगा, प्यार हो के रहेगा। चाहे मैं न चुराओ। अरे ये अनजाने रास्ते, ये नगरी अनजानी, ये अनजाने रास्ते, ये नगरी अनजानी। अरे इस चक्कर से ना बचे, क्या ज्ञानी क्या ज्ञानी, इस चक्कर से ना बचे, क्या ज्ञानी क्या ज्ञानी। तुम इंकार की गलियों से चाहे बच बच के जाओ, प्यार हो के रहेगा, प्यार हो के रहेगा। चाहे मैं की भीड़ में आओगे अकेले, इस दुनिया की भीड़ में आओगे अकेले। अरे आते ही लग जाएंगे अरमान
के मेले होते ही लग जाएंगे अरमानों के मेले। मन के राज महल में चाहे पर्दे गिराओ प्यार हो के रहेगा प्यार हो के रहेगा चाहे न चुराओ। कहने को तो प्यार पे मरता है जमाना ओ कहने को तो प्यार पे मरता है जमाना। अरे लेकिन अपनी हार से डरता है जमाना ओ लेकिन अपनी हार से डरता है जमाना। तुम ये प्यार का तराना चाहे गाओ ना गाओ प्यार हो के रहेगा प्यार हो के रहेगा चाहे ना चुरा। किशोर सो गए जी। कभी कभी जिंदगी में कैसे अजीब हादसे होते हैं। किशोर का खो जाना, तुम्हारा उसे पुलिस स्टेशन पर लाना और फिर उसकी देखभाल के लिए घर पर रहना, ये सब एक कहानी सी मालूम होती है जी। किशोर को तुम्हारी गोद में सोया देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी सारी दुनिया सिमट कर तुम्हारी गोद में आ गई हो। आशा जी, तुम किशोर की मां बनना स्वीकार करोगी? बोलो आशा, बोलो। ये कौन है? यही है वो कांटा जिसे निकालना है। अब क्या होगा बुआ जी? तू घबरा नहीं बेटी, मैं इसका पत्ता काटूंगी। आसान नहीं है मालकिन, देखने में भोली भाली है मगर दिल की बड़ी काली है। चंदा, अशोक पर रंग जमा लिया है, मुझसे टक्कर लेनी आसान नहीं। तू देख तो, अभी इसका रास्ता करती हूँ। कान खोल कर सुन ले अशोक, आज तक इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ ना कुछ हुआ ना होगा। मालूम है मैं अपने भाई से क्या क्या झूठ सच कहकर अपनी भतीजी को यहाँ लाई हूँ और वादा करके आई हूँ शादी होगी और जरूर होगी। लेकिन चाची जी, मैं भी तो आशा से वादा कर चुका हूँ। तुझे शर्म नहीं आती अशोक? उस बेशर्म लड़की के वादे को पूरा करने के लिए तू मेरे वादे को ठुकराना चाहता है? वो क्या, उसका और मेरी भतीजी का कोई मुकाबला है? मुझे ये तो पता चले मेरी भतीजी में ऐब क्या है और आशा कौन सी आकाश की अफसर है। चाची जी, आशा ने मुझे अपनी खूबसूरती से नहीं अपने गुणों से जीता है। हाँ हाँ, मैं भी तो सुनूं उस गुणवंती के गुण जिन पर तू रिझ गया है। चाची जी, आप तो जानती हैं कि मैं दूसरी शादी के कितना खिलाफ था। मुझे सपने में भी उम्मीद न थी कि कोई भी लड़की किशोर को माँ का प्यार दे सकेगी, लेकिन आशा ने मुझे यकीन दिला दिया। तो ये तीर लगा निशाने पर। अरे ये पासा तो उसने तुझ पर रंग चढ़ाने के लिए फेंका है। क्या मतलब? अगर तूने ये शादी की तो जानता है क्या होगा? क्या होगा? अरे बिरादरी वाले आना जाना बंद कर देंगे, रिश्तेदार तेरी चौखट पे थूकेंगे भी नहीं, सारे खानदान को कलंक का टीका लग जाएगा। सुनने वाले यही कहेंगे कि बने बनाए घर को अशोक ने एक आवारा लड़की के लिए सत्यानाश कर डाला। चाची जी, ऐसे गुस्से से काम नहीं चलेगा अशोक। कभी तुमने ठंडे दिल से ये भी सोचा है कि मैं अपनी भतीजी की शादी तेरे साथ क्यों करना चाहती हूँ? क्यों ये भलाई बुराई समेट रही हूँ? अपने लिए नहीं, तेरे लिए, तेरे बच्चे के लिए, तेरे घर के लिए। मेरा क्या है, मैं तो चार दिन की मेहमान हूँ, आज मरी कल दूसरा दिन। लेकिन चाची जी, लेकिन कुछ नहीं,
और मुझे ये देखना है मेरे होते हुए तेरी शादी आशा से होती है या मेरी भतीजी से। क्यों जा रही? मैं इस घर को फूलते फूलते देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यह घर बर्बाद हो जाए। मेरी तरफ से अशोक, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए आपको दुनिया वाले ठुकरा दें, रिश्तेदार छोड़ दें और खानदान को कलंक का टीका लग जाए। तो क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे जाने से घर आबाद होगा? तुम्हारे जाने से घर बर्बाद हो जाएगा आशा? तुमने रिश्तेदारों के लिए सोचा, दुनिया वालों के लिए सोचा, खानदान के लिए सोचा, लेकिन तुमने किशोर के लिए क्या सोचा? मेरे लिए क्या सोचा? आपकी और किशोर की भलाई के लिए ही तो जा रही हूँ। अपने आप को धोखा न दो आशा, तुम किशोर के बगैर रह सको? मुझे जाने दीजिए अशोक। किशोर तुम्हारे बगैर रह सकेगा? आप तो हैं। मैं अगर किशोर को संभाल सकता तो तुम इस घर में कैसे आती? तुम किशोर की जिंदगी पर पूरी तरह छा चुकी हो, वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर सकेगा? उसे अगर कुछ हो गया तो? अशोक बस आशा, अब मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। मैं इस झगड़े का हमेशा हमेशा के लिए फैसला कर दूंगा। आज मैं तुम्हारे और अपने जीवन को एक ऐसे बंधन में बांध दूंगा कि दुनिया तुम पर उंगली भी ना उठा सके। आओ चलो मेरे साथ। मास्टर, अरे मैं हूँ चाची। मेरी चाची ताई सब मर चुकी हैं। अरे मैं हूँ तुम्हारी माँ जी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आया मैं। माँ जी आया, माँ जी मैं जागा हुआ हूँ। वहाँ आया माँ जी।
माफ कीजिए माँ जी, आप इस वक्त कैसे? गजब हो गया मास्टर। आए आशा मेरी अशोक को लेकर भाग गई। आशा अशोक को लेकर भाग गई? हाँ। ये कैसे हो सकता है? माँ जी जरा मुझे सोचने दीजिए। माँ जी ये बात बिल्कुल गलत है। गलत है? हाँ माँ जी, मेरे ख्याल में अशोक बाबू आशा को लेकर भाग गए। पर बात तो एक ही है, जाओ पुलिस में रिपोर्ट कर दो। है? अच्छा माँ जी। माँ जी अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो अखबारों में छप जाएगा, और अगर अखबारों में छप गया तो लोग उसे पढ़ेंगे, और अगर लोगों ने पढ़ लिया तो घर घर इस बात का चर्चा होगा, और अगर घर घर इस बात का चर्चा हुआ माँ जी तो फिर नाक कट जाएगी आपकी और हमारी। तो बताओ मैं क्या करूं? क्या करें माँ जी? चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप। वो दोनों इकट्ठे गए हैं, जरूर कोई नया गुल खिलेगा। अरे कहीं शादी न कर बैठे। माँ जी अच्छी बात है, घर बस जाएगा। नहीं ये शादी नहीं हो सकती, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। मास्टर जी, यूं बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, जाओ और ढूंढो। मगर माँ जी इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? कहीं भी जाओ मगर जाओ। मगर जाओ? अच्छा माँ जी जाता हूँ। माँ जी ये किसी से ना कहिएगा कि अशोक बाबू भाग गए, ये बहुत बुरी बात है माँ जी, है ना? बहुत बुरी बात है, अशोक साहब भाग गए, आशा भी साथ भाग गई है, समझ में नहीं आता वो कहाँ भाग गई। हाँ भला ये किसी से कहने की बात है कि अशोक बाबू भाग गए हैं? राम राम राम, और वो भी आशा देवी के साथ है? मैं क्या करूं भाग गए तो मैं उनके पीछे पीछे कहाँ भागूं? वो जवान है भाग सकते हैं, मैं बूढ़ा ठहरा। अरे भाई मैं अशोक बाबू को ढूंढने जा रहा हूँ। मगर मैं तो आ गया। ओहो अशोक बाबू, मैं आप ही को ढूंढने जा रहा था। मैं कहता था माँ जी से कि अशोक बाबू नहीं भाग सकते, लेकिन वो यानी के वाह 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 माँ जी, ओ चंदा ओ चकोरी जल्दी पानी का कलश लेकर आओ, मास्टर जी शादी करके। राम राम राम, अशोक बाबू शादी करके आए हैं। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी है, श्री अशोक बाबू और श्रीमती आशा देवी। आइए आइए आइए, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त से महारानी अशोक बाबू आओ। बहुरानी माँ जी दूल्हा दुल्हन का स्वागत कीजिए ना। बहुरानी माँ जी के चरण छुओ, चलो 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 माँ जी के चरण छुओ। आज शुभ घड़ी है माँ जी। कोई बात आओ मैं। आइए आइए बहुरानी आइए, कोई बात कहो। आज मेरी आस पूरी हुई है, जवाब नहीं है आसमान वाले का। अशोक बाबू से तो अति प्रकार की प्रसन्नता हुई है। नहीं आप कहाँ गए थे, हम आपसे नहीं बोलेंगे। और आंटी आपसे? अरे बेटा आंटी नहीं, मम्मी कहो मम्मी। मम्मी क्यों दे दे? हाँ बेटे अब ये तुम्हारी मम्मी। मम्मी? क्या बात है बेटी, अब भी कोई पूछने की बात है? बस अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। तुझे इस तरह नहीं जाना चाहिए, कुछ दिन ठहर, मैं खुद पहुंचा दूंगी, नहीं तो मेरा भाई क्या कहेगा? कहेंगे क्या, अपनी किस्मत को ठोकेंगे? ये सुन के तो उनकी बांछें खिल जाएंगी कि जो बर्ताव उनकी बेटी के साथ हुआ है आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। बेटी तू घबरा नहीं बेटी, मैं तेरा बदला जरूर लूंगी। अब क्या करोगी, सांप निकल गया लकीर पीटा करो। मैंने तो अपनी सारी सहेलियों से कह दिया था कि मेरी शादी अशोक बाबू से हो रही है,
अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? रो रही मेरी बच्ची, रो रही। रो भी नहीं, यहाँ लाके मेरी बेइज्जती कराई। तुम्हारा खानदान तो खानदान है, जैसे हमारा खानदान कुछ भी नहीं। मैं तेरा बदला जरूर लूंगी, तेरे एक एक आंसू के बदले उसे आठ आठ आंसू जरूर लाऊंगी। जो जी में आए सो करना, मैं तो चली। अकेले ना जाओ बेटी। नहीं तो 10-20 आदमी पहुंचाने जाएंगे, बड़ी खुशी का मौका है ना। कहाँ जा रही हो बिटिया? जन्म में। अब क्या होगा मलकिन, शादी भी हो गई, भतीजी भी चली गई, तुम्हारी ये हार देखकर मेरा कलेजा फटा जाता। मेरी हार भी मेरी जीत है चंदा। आज वो हंस रहे हैं, कल देखना जार जार रोएगी। शग्मं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति। माँ जी माला मंगवाई। बहुरानी जरा माला ले आ। जी अभी लाए।
जायताम आराष्ट्रे रायन्या। माला नहीं आई अशोक बाबू? चंदा जरा देख तो, बहुरानी माला नहीं लाई जी। अच्छा, ओम अग्नये स्वाहा दमग्नये दन्नम, ओम भूर्वावे अपानाये स्वाहा दमवावे अपानाये दन्नम, ओम प्रजापते स्वाहा दम प्रजापते दन्नम। अरे बहुरानी, सब माला का इंतजार कर रही है। गिरिजम यद्वा नून मिहाकरम। अशोक बाबू, माला। चाची जी, तो देखिए तो। अच्छा बेटा, मैं देखती हूँ। माला लाने में इतनी देर, पूजा का समय बीता जा रहा है। मालकिन, माला खो गई। खो गई? क्या भक्ति है बहुरानी जी? पात्रेण सत्यस्य हपितं मुखम। अशोक बाबू, माला अभी तक नहीं आई। अशोक आ रहा है, अब क्या होगा? आप लोग खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? माला क्यों नहीं आई अब तक? अरे, आप सब चुप क्यों हैं? माला खो गई। खो गई? कैसे खो गई? कहाँ रखी थी तुम? जी, इसमें बंद की थी। चाबी किसके पास? चाबी तो मेरी ही पास थी। तो माला क्या फिर ड्रॉ खा गया? तुम जरूर कहीं रखकर भूल गई हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इधर ही रखी थी। इसमें ही रखी थी तो कौन उसे ले गया? वो कौन सी ऐसी कीमती चीज थी जिसे कोई चुरा था? उसके चाची ने माला के बारे में सब कुछ तुम्हें बता दिया था, फिर भी तुमने ख्याल नहीं रखा। भगवान मेरे किशोर की रक्षा करे। याद करो बेटी, हो सकता है फैंसी ड्रेस के चक्कर में तुमने कहीं इधर उधर रख दी हो। मैं क्या बताऊं? बताओगी क्या? तुम्हें तो बस फैंसी ड्रेस में फर्स्ट आने की पड़ी थी। तुम्हें माला ठीक रखने की फुर्सत ही कहां थी? बस उसे माला चाची जी के पास ही तो कुछ ना हुआ और तुम उसे दो दिन भी जिक्र ना सकी। आशा, मैं देख रहा हूँ तुम किशोर की तरफ से बहुत लापरवाह दी जा रही हो। मैं पूछता हूँ कि अशोक, तुझे मेरी कसम है, अब बहू रानी को कुछ ना कहना। जो होना था सो हो गया, अब बिगड़ने से क्या फायदा। चलो किशोर से पूजा करवा लो, समय बीता जा रहा है। चलो बहू रानी, तुम भी चलो ना। माँ जी, हाँ जी, रुपए चाहिए ना? रुपए नहीं मालकिन, मैं तो इनाम मांग रही हूँ। काहे का इनाम? आई माला उड़ाने का और काहे का। हाय, जैसे मेरा हाथ था ही नहीं माला उड़ाने में। चंदा, अगर मैं ना बताती कि अलमारी कौन सी दुकान से आई थी तो तू चाबी कहाँ से लाती? ये तो ठीक है मालकिन, लेकिन बिना भेद बताए चाबी का बनवा लाना मेरा ही काम था, नहीं तो दुकानदार का आदमी घर पर आता और सारा भंडा फूट जाता। माँ जी, तू नहीं मानेंगी, ले 5 रुपए। मालकिन, काम तो 100 रुपए का था। अच्छा बाबा, 5 और ले। तेरा भी जवाब नहीं चंदा। मेरा जवाब तो तुम हो मालकिन। सुनिए। क्या है?
आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, बहुत खुश हूं। मुझे माफ कर दीजिए। माफी का सवाल नहीं आशा, किशोर की माला का खोजाना बहुत ही बुरा हुआ। मुझे अफसोस भी है और ताज्जुब भी, न जाने माला कैसे गायब हो गई। शायद मेरी ही भूल होगी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आशा, मैं भी न जाने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह गया, मगर मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता, तो ख्याल ना करता। मालकिन, ये दोनों तो फिर मिल गए। अशोक बाबू, दरअसल मैं आपसे कहना चाहता था किशोर के बारे में। किशोर के बारे में? जी हाँ, ये तो आपको मालूम ही है कि मैंने आपको कितनी मेहनत से पढ़ाया था, ठीक है ना, और अब तक किशोर को भी किस तरह पढ़ा रहा हूँ। अशोक बाबू, अभी तक मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं आई, मगर आपको भी तो जरा ध्यान रखना चाहिए ना। आपने मेरी तरफ से क्या कमी देखी मास्टर जी? आपकी तरफ से नहीं, माफ कीजिएगा बहू रानी। आशा जी, ये तो आप जानते ही हैं कि वो इस घर में किशोर के लिए आई थी, और शुरू शुरू में उन्होंने देखभाल भी खूब की, मगर अब वो माफ कीजिएगा इस घर की मालकिन है, और फिर उनके अपने भी तो बच्चा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अब उनके पास इतना वक्त ही कहाँ कि वो किशोर की देखभाल कर सकें या उसकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखें। मास्टर जी, देखिए, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा और ना ही चुगली खा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किशोर की पढ़ाई लिखाई का ख्याल न रखा गया तो कल को ये आँच मुझ पर आएगी और मेरी तमाम उम्र की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं समझ गया मास्टर जी, आपको किशोर की सौगंध है, आप बहु रानी से कुछ ना कहिएगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, अगर मास्टर जी आप भी किसी से कुछ ना कहिए। जी बहुत अच्छा। कह दिया मास्टर? जी हाँ माँ जी, आपके कहने से कह तो दिया है, और बिल्कुल वही कहा है जो आपने कहा था, लेकिन माँ जी शायद मुझे कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने किशोर की देखभाल में कोई कमी नहीं देखी। तो क्या मैंने तुमसे झूठ बोला था? मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कहा था कि ये तुम्हारी नौकरी ना जाती रहे, और तुम मुझे झूठा बना रहे हो। नहीं नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है, भला आप क्यों झूठ बोलने लगी? हाँ मास्टर, मेरा क्या है, मैं तो चार दिन की मेहमान हूँ, आज मरी कल दूसरा दिन। अच्छा चलो, अपनी तनख्वाह तो ले लो। किशोर और मुन्ना दोनों बराबर ही हैं। चलो मिल तो गई। चाची जी, आशा इतनी बदल गई? अरे बेटा, आशा बिचारी का क्या दोष, अपने पराये में कुछ तो फर्क होता ही है। बस चाची जी, मैं आज इस बात का फैसला करते हूँ, अगर वो किशोर को गैर समझती है तो उसे आज। अशोक, क्यों बच्चों की सी बातें करते हो, आखिर वो इसकी माँ है, माँ की ममता से मजबूर होकर उसने ऐसा किया है, और ये भी तो हमारा लाल है,
तुझे किशोर की कसम है, अगर बहुरानी से कुछ भी कहा तो। चलो। मालकिन, क्या तुम्हारी सारी उम्र यूं ही ताना पेटा करके गुजरेगी? बस चंदा, एक ही झटके की कसर है, बहुरानी घर के बाहर खड़ी नजर आएगी। तरकीब भी मैंने सोच ली है। वो क्या? देखो, नहीं मालकिन, अगर पासा उलट गया तो? चाची के पासे हमेशा सीधे पड़ते हैं चंदा, तू घबरा नहीं, जीत हमारी ही होगी। तो मालकिन, 10-20 से काम नहीं चलेगा इस बार? अरे पगली, झोली भर दूंगी झोली। माँ जी, क्या है मास्टर? अभी अभी ये तार आया है, मेरी बहन जल गई है। बहन जल गई? जी हाँ। माँ जी, अशोक बाबू तो दफ्तर गए हैं और मुझे अभी इसी गाड़ी से जाना है। अच्छा तुम जाओ, मैं अशोक से कह दूंगी। और सुनो जी, जरा जल्दी आना, किशोर की पढ़ाई में हर्ज ना हो। अच्छा जी। थोड़े ही सफेद किए हैं। बहू रानी, मुन्ना रो रहा है। अच्छा, अरे उसके दूध का टाइम हो गया है ना? तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा जी। बैठे और मुझे बिस्किट नहीं मिलते, तू चलकर दे दे। वही साइड बोर्ड के दराज में रखे हैं, जाकर ढूंढ ले। नहीं, मैंने सब देख लिया, तू चलकर ढूंढ दे ना। अच्छा तू चल, मैं आती हूँ। ना बाबा, मैं तो इस तरह नहीं जाऊंगी। अच्छा चल भाई, मैं खुद चल रही हूँ। लो बेटा, चंदा तेरा काम पूरा कर लिया? नहीं मालकिन, चकोरी को बिस्किट नहीं मिल रहे थे, ये मिश्र का दूध लेकर आते। चुप हो जाएगा। पिला दो ना आशा। आप तो जानती है कि मैं इसे टाइम से दूध पिलाती हूँ। आप चाय पीजिए, अभी चुप हो जाता है। लीजिए, चुप तो हो गया। Ahem.
में दम कर लिया। चलो दूध का गिरना अच्छा शुगन होता है, ये दूध ना किशोर ने पीना था ना मुन्ने ने, ये तो पूसी के भाग में था। ए, अरे बंसी जाओ किशोर के लिए दूसरा दूध लाओ। अच्छा। और देखो जी। कपड़ा लाकर ये जगह भी साफ कर। दूध में जहर था। बहू रानी किशोर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उसकी जान लेने पर तुल गई? जी तुम्हें यही डर था ना कि किशोर बड़ा होकर अशोक की आधी जायदाद और दौलत का मालिक बनेगा, तो मुझे कह देती, मैं अशोक से कहकर सब कुछ तुम्हारे बेटे के नाम करवा देती, लाखों के पीछे करोड़ों की जान लेने को तैयार हो गई। चाची जी माँ और अपने बच्चे को जहर देगी? माँ होती किशोर की तो रोना ही किस बात का था, बिन माँ का बच्चा है इसलिए तो जान के लाले पड़ गए। अगर किशोर को जहर नहीं देना था तो पिला दिया होता मुन्ना को ये दूध, मगर मुन्ना तो टाइम से दूध पीता है, टाइम से हंसता है, टाइम से रोता है, हद हो गई। मैंने कहा, किशोर ने कहा, अशोक ने कहा, मगर तुमने दूध नहीं पिलाया। कैसे पिलाती? ये जहर भरा दूध तो सिर्फ किशोर के लिए ही तैयार किया गया था। ये अब क्या कह रही है? अब तो कहूंगी और डंके की चोट कहूंगी, वो तेरे पर्दे डाले तेरी करतूतों पर। खड़ा अशोक पूछ ले इसे, मगर अब तो सर से पानी गुजर गया, कैसे चुप रहूं? छोटी मोटी बात तो है नहीं, अब की बात तो तूने इस घर का चिराग ही गुल कर दिया था बहू रानी। चाची जी आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या आपको भी मुझ पर शक? क्या आप भी सिर्फ शक ही रहेगा? आशा कब तक मेरी आंखों में धूल झोंकती रहोगी? मैंने खुद देखा है किशोर दूध के लिए चिल्ला रहा और तुम मुन्ने को दूध पिला रही थी। दूध? हाँ दूध। मैं उसी वक्त तुमसे पूछना चाहता था लेकिन चाची जी ने मना कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, किशोर के जन्मदिन पर तुमने माला की पूजा भी न होने दी, माला छिपाकर मुन्ने के नीचे रख दी ताकि वो फूले फले। तुम्हारी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई आशा कि तुम किशोर को जहर देने पर तैयार हो? नहीं नहीं आप, मैं पूछता हूँ कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार जब किशोर के लिए तुम अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी? कहाँ गए वो दिन जब किशोर की खुशी तुम्हारी जिंदगी थी और किशोर का गम तुम्हारी मौत? जिस दिन से मुन्ना हुआ है तुमने किशोर को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है और अब हमेशा हमेशा के लिए उन्हें आज से हटाना चाहती हो। बेटा अशोक बस इस घर में ये रहे और इसका बेटा, मैं किशोर को लेके कहीं और चली जाऊंगी, पाल लूंगी रूखी सूखी खिला के, मुझे ना ये घर चाहिए ना दौलत। बस चाची जी बहुत हो गया, अब मुझे पता चला कि ये जाल आप ही का फैलाया हुआ है, लेकिन मुझे निकलवाने के लिए आप अपने पोते को जहर देने के लिए तैयार हो गई? मैं सपने में भी ना सोच सकती थी कि आप इतनी गिरी हुई है। गिरी हुई तुम, जलील तुम, जिन चाची जी की बदौलत तुम आज तक इस मकान में टिकी हुई हो उन्हीं के सर पर अपना दोष मनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चाची जी मैं इस मनुष्य की सूरत तक नहीं देखना चाहता, किशोर पर मैं इसका सहारा भी ना पड़ने दूंगा, इसे निकाल दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। चली थी पहाड़ से टक्कर लेने, मेरे आड़े आई थी बहू रानी, रास्ता वो है। चाची जी इस घर को बचाइए, इस घर को बचाइए चाची जी। अच्छा तेरी ये मजाल, जैसे मैंने ही घर बिगाड़ा है, जाती है या नौकरों से ढक के देके निकलवाऊं? मैं ही जाती हूं, मैं ही चली जाती हूं। वो है सरा किशोर से मिल लूं,
इतना सुहांगना खेलो रानी, अब तो सबको यकीन हो गया है कि तुम कितना प्यार करती हो किशोर को। चाची जी, कोई यकीन करे ना करे, मैं किशोर पर अपने 10 बच्चे निछावर कर सकती हूँ। मुझे एक बार, आखिरी बार किशोर से मिल लेने दीजिए। कभी नहीं, निकल यहाँ से। मम्मी, मम्मी, किशोर, किशोर, मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? किशोर, अब छोड़ इस नाटक को। हाँ किशोर, नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। चंदा मेरा मुंह क्या देख रही है, पकड़ किशोर को। नहीं, ये कीमती जेवर क्या मेके से लाई थी? ये भी तो दे। Thank you.
नमस्ते माँ जी, माँ जी माफी चाहता हूँ, जल्दी ना आ सका, कुछ बात ऐसी हो गई थी। कोई बात नहीं मास्टर जी, आप तशरीफ रखिए। फरमाइए, बाल बच्चे तो अच्छे हैं ना? तुम तो बताओ, तुम्हारी बहन तो अच्छी है ना? क्या बताऊँ माँ जी, बेचारी का मुंह झुलस गया है, अब तो उसकी सूरत भी नहीं पहचानी जाती। अच्छा? हाँ मास्टर, भाग के लिखे को कौन डाल सकता है। हाँ माँ जी, माँ जी मेरी बहन ने कुछ सामान भेजा था बहुरानी के लिए, वो अपने कमरे ही में है ना? नहीं मास्टर जी, अब वो आपको इस घर में कभी नजर नहीं आए। है? क्यों, क्या हुआ? मैंने उसे निकाल दिया है। जब से मुन्ना हुआ है वो किशोर से बेहद नफरत करने लगी थी, यहां तक कि एक दिन किशोर को जहर देने के लिए तैयार हो गई थी। जहर? राम 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 राम, सच कहा है किसी ने, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानन्ति कुतो मनुष्या, अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता तक नहीं समझ सके, मनुष्य क्या चीज है। परंतु माँ जी, उस लड़की से ऐसी उम्मीद ना थी। सारी उम्मीदों पर पानी फेर गई मास्टर, आप गए सो गई, साथ मुन्ने को भी लेती गई। मैंने उसको कितना मना किया मगर मेरी एक ना मानी। मुन्ने को अगर वो न ले जाती तो उसका क्या बिगड़ जाता, न जाने किस हाल में होगा बेचारा मुन्ना। मुझ पर नहीं, मेरे मुन्ने पर रहम कीजिए, मुझे ये नौकरी दे दीजिए। मैंने आपसे कहा ना, नौकरी आपको मिल सकती है, आप उस जगह के काबिल भी हैं, पर अपने पति का नाम तो आपको बताना ही पड़ेगा। उनका नाम नहीं, नहीं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती। मुझे अफसोस है, अगर अपने पति का नाम आप नहीं बताएंगी तो मैं क्या, कोई भी आपको जिम्मेदारी का काम नहीं दे सकता। हाँ, मेहनत मजदूरी आप कर सकती हैं। इस मासूम का तो ख्याल कीजिए। मैं मजबूर हूं। बात किया कि उसकी याद में आंसू मत बहाया करो, इस काबिल ही नहीं थी। काश वो तुम्हारे आंसू की कीमत जानती। बेटा सोच सोच। मालकिन, अब तो मैदान साफ है, अब कौन सरचन है जो आप अपनी भतीजी को नहीं बुलाती? कैसे बुलाऊं चंदा, अव्वल तो अशोक शादी के लिए तैयार ना होगा, और अगर तैयार हो भी गया तो वो यहाँ आएगी? याद कर, वो यहाँ से कैसी जलील होकर गई थी। अरे वो क्या जलील होकर गई थी, जलील करके तो निकाली गई थी आशा, और आपने भी उसके निकलवाने के लिए क्या क्या नहीं किया, मास्टर तक कुल्लू बना दिया। अरे मास्टर की भली कही, वो तो पढ़ा लिखा बेवकूफ है। मगर आशा तो पढ़ी लिखी अकलमंद थी,
लेकिन आपने उस पर वो इल्जाम लगाए, वो कसूर थोपे कि बेकसूर होते हुए भी उसे घर छोड़कर जाना ही पड़ा। चुप चंदा, दीवार के भी कान होते हैं। तो बहू रानी बिल्कुल निर्दोष थी, चाची जी ने अपना बदला लेने के लिए इन्हें निकलवाया है। ये इतनी नीच है, मैं भी जाकर अशोक बाबू से कहता हूँ। चकोरे जी, अशोक बाबू कहाँ है? वो क्या बैठे? मास्टर कहाँ जा रहे हो? जरा कुंदनलाल सराफ के यहाँ चले जाओ और मेरी चूड़ियाँ ले आओ। सोच लो, चाची जी की आवाज के सामने तुम्हारी आवाज का क्या असर होगा? तुम्हारे पास सबूत क्या है? काश इस वक्त बहू रानी मिल जाती। आपको इसे पहले ही लाना चाहिए था, मर्ज बहुत बढ़ गया है। और ये इंजेक्शन ले आइए। इंजेक्शन? डॉक्टर साहब, क्या मिक्सचर से काम नहीं चल जाएगा? आई एम सॉरी, नेक्स्ट मैन। इसकी तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। दवा का असर नहीं हो रहा बलराज, शायद दवा का हो जाए। बहू रानी, वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब आपको इस घर से निकाला गया था। आप अंदर ना जाइए, भगवान के लिए आप अंदर ना जाइए। तो फिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बहू रानी, मेरे पास ये 10 रुपए है, ये ले लीजिए। बलराज, बहू रानी, मालिकन ले लीजिए। वक्त की बात है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए इंजेक्शन। आप बच्चे को उस कमरे में ले चलिए, आप जरा बैठो, मैं आता हूं। डॉक्टर, बोलते क्यों नहीं डॉक्टर? मुझे बहुत अफसोस है।
आप ये क्या कर रही थी? बहू रानी, ताज्जुब तो इस बात का है कि आप मुसीबतों से घबराकर जान खोने के लिए तैयार हो गई। जब मेरे जीवन में कोई आस ना रहे तब और क्या करती? बिना आस के जीवन कैसा? आप भूल रही हैं बहू रानी, आस है, आपकी आस है आपका पति जिस बेचारे को भटकाया गया, आपकी आस है किशोर जिसे आप जान से भी ज्यादा चाहती हैं और जिसके लिए आप पर सौतेली माँ का कलंक लगाया गया। पहले मुझे भी शक था बहू रानी, मगर अब मुझे सब कुछ मालूम हो गया, आप बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता बहू रानी, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। अगर आपने निर्दोष होते हुए दोष लगाने वालों का मुकाबला ना किया तो दुनिया वाले झूठ को सच और सच को झूठ मानेंगे। अगर आपने बेगुनाह होते हुए अपनी जान खो दी तो गुनाह करने वाले मजे उड़ाएंगे और दुनिया से इंसाफ उठ जाएगा। आप अपने हक के लिए लड़िए बहू रानी, नहीं तो सब यही कहेंगे कि आशा देवी भी एक सौतेली माँ थी। नहीं, मैं सौतेली माँ के कलंक को मिटाऊंगी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। बस आप चलिए मेरे साथ, आइए आइए मेरे साथ आइए। माँ जी। अरे मास्टर, आओ आओ अंदर आओ, आओ आओ। माँ जी मेरी बहन आई है। अच्छा। ये है हमारी माँ जी की बागडोर इन्हीं के हाथ में है, इतनी बड़ी गृहस्थी चलाना इन्हीं का काम है, इस घर में कोई ऊंच नीच हो जाए क्या मजाल किसी को कानो कान पता भी चले। नमस्ते। और वो है चंदा, माँ जी इसके बगैर अधूरी है। अब कैसी है बहन जी? अब तो अच्छी हूँ। देखिए। अरे राम राम राम, बस मास्टर बस, मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। जाओ बहन आराम करो, कुछ तकलीफ हो तो मुझसे कहना। आओ बहन आओ चले। अशोक बाबू ये मेरी बहन है। नमस्ते। ये तो हमारे पहली मर्तबा आई है ना, तो इनका पूरा पूरा ख्याल रखिए और आप इसे अपना ही घर समझिए। अपना ही घर समझकर तो आई है बेचारी। चाची जी अच्छा चलो बहन। तो ये बात थी बहन जी। अच्छा माँ जी, बहुत रात हो गई, अब मैं चली। अच्छा मालकिन, इन बहन जी को देखकर बहू रानी का ध्यान आता है। तू तो मुंह रखी रही, कहां वो बेहजा छोकरी और कहां ये सीधी साधी 50 साल की बुढ़िया। चंदा तुझे तो सच में सब कुछ टेढ़ा ही दिखाई देता है। हाँ, ले ले जा। आए आए, आए अरे चकोरी, अरे बंसी, तुम सब कहा मर गए, जल्दी आओ। अरे राम, आए माँ जी मर गई। क्या बात है चंदा, क्या हुआ? अरे माँ जी मुझे तो भैया ने काट कर खाने की भरी थाली छोड़ के भागी आ रही हूँ। अरे निगोड़ी तो ये नहीं काटा, सांतो नहीं डस गया, जो इतनी मरी जा रही है चूना लगा ले, अच्छा हो जाएगा। जिस पर पड़े वही जले, आराम बड़ी जलन हो रही है। अरे बहन जी बहुत जलन रही बहन जी। अब ठंडक पड़ी, 4 दिन की आई हुई ने हमदर्दी तो दिखाई, जिनकी चाकरी करते हुए जिंदगी गुजर गई वो तो गोली से बोली मार, सांप ने तो नहीं डसा। तुमने भी सुना बहन जी, ऐसे कहा करते हैं। नहीं चंदा, लेकिन माँ जी जी की अच्छी है। हाँ बहन जी, यो तो सभी अच्छी हैं। अरे चंदा तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई, ले तेरी चिट्ठी। मेरी चिट्ठी ला बहन जी, जरा पढ़ना तो। ये गुलाबी राम कौन है? मेरा भाई है। क्या लिखा है? अरे ये तो बड़ी मुसीबत में है चंदा, 100 रुपए मांगे।
उसकी जरूरत कभी पूरी ना होगी। अभी 25 भिजवाए हैं, अब 100 कहाँ से लाऊं? अरे रात दिन मां जी की खिदमत करती हो, क्या वो 100 रुपए भी ना देंगी? अभी वो दिन गए जब वो रुपए दिया करती थी। समय समय की बात है, जब मतलब था तो हाथ फैलाते ही नोट नजर आते थे, और अब तो मांगने से माथे पर बल पड़ते हैं। मगर क्या करूं, और कोई रास्ता नहीं। ओ आई चंदा, अभी आई। बहन जी रुपए तो मिल गए, मास्टर जी कहाँ हैं? हमें किसने याद किया? मास्टर जी आज ही भिजवा दीजिए अभी। घबराओ नहीं, पहुंच जाएगा, आज हवाई जहाज के जरिए पहुंचाता हूँ। वाह 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 वाह, क्या पता है। गुलाब दास पेंट, गली गुलाब वाली, गुलाब सिंह गंधी और गुलाबी राम, बिल्कुल गुलाब का गुच्छा मालूम देता है। मास्टर जी, इसके भाई से फायदा उठाया जा सकता है। इसके भाई से? जी हाँ, ये अपने भाई पर जान देती है और आए दिन इसके भाई को रुपए की जरूरत रहती है। अगर वो 1000 रुपया मांगे तो आपका मतलब है कि चंदा मांगे चाची जी से और चाची जी कर दें इनकार और उन दोनों में हो जाए तकरार? ख्याल तो अच्छा है, मगर बहू रानी वो मांगे ही क्यों? मास्टर जी, जब वो आए दिन 150 रुपए मांगता रहता है तो वो 1000 रुपए भी मांग सकता है। मगर बहू रानी मांगे कैसे? जरा सोचने वाली बात है। मांग भी सकता है बहू रानी, ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं आज ही पुणे जाता हूँ और वहां जाकर उससे कहता हूँ कि मांग 1000 रुपया, अगर वो नहीं मांगेगा तो इस डंडे से उसकी मरम्मत कर दूंगा। मास्टर जी पुणे जाने की जरूरत नहीं। क्यों? देखिए आप हुए चंदा के भाई। मैं और चंदा का भाई? माफ कीजिए बहू रानी, मास्टर सब कुछ बन सकता है मगर चंदा का भाई गुलाबी राम नहीं बन सकता। मास्टर जी आप थोड़ी देर के लिए बन तो जाइए। अच्छा बहू रानी, अगर इसी तरह बनता है अपना काम तो बन जाता है मास्टर गुलाबी राम, अर्थात करना क्या होगा? देखिए गुलाबी राम ने लिखी चंदा को चिट्ठी। हाँ, और चिट्ठी आई चंदा के पास और वो चिट्ठी पढ़वाने के लिए आई आपके पास। हाँ ठीक है, और उसके बाद आपने उसको सबक पढ़ा कर भेज दिया माजी के पास। वाह बहू रानी। माजी अब की बार 1000 रुपए न भेजे तो जेल जाएगा मेरा भाई। तेरा भाई तो एक न एक दिन जरूर जेल जाएगा चंदा, उसे ना तू रोक सकती है ना मैं। मेरे पास क्या रुपयों का दरख्त लगा है जो तोड़ू और दे दू? बाहर में जाए तेरा भाई और भट्टी में जा तू, मेरे पास नहीं है रुपए। हाँ मालकिन, अब रुपए कहाँ होंगे? थैली का मुंह तो उस वक्त खोल रखा था जब कहा करती थी चंदा साए की तरह पीछे लगी रही हो, चंदा अशोक के आते ही किशोर को गिरा दीजो। डैडी आप चलिए। तुम जाके कहो तो ले जाएंगी। नहीं डैडी आप चलिए। बहुत बदमाश होते जा रहे हो, चलो। सांच को आँच नहीं मालकिन, आशा देवी थी देवी। साहब माली पूछ रहा है कि कौन से फूल लगाने और आपको बुला रहा है। माली को बोला थोड़ी देर में आएंगे डैडी। हम अभी आते। रुपए तो नहीं दूंगी चंदा। साहब मिश्रा साहब आए। तो क्या मैं रुपया मांग रही हूँ मालकिन? मैं तो पिछली बातें याद कर रही हूँ। तुम चलो अभी आते। नहीं डैडी पहले हम आते। बेटे अभी आते, अभी आते, एक मिनट बस। अशोक बाबू आप क्या कर रहे हैं? बच्चे ऐसे पाले जाते हैं? चलिए आप बच्चे के साथ चलिए, मैं मिश्रा जी से मिल लेता हूँ। आशा के रास्ते में कांटे बोए किसने? तुमने। चंदा माला गायब कराई किसने? तुमने। हाय राम, इन हाथों में कीड़े पड़ जाए, इन्होंने जहर मिलाया। चुप चुप चंदा। और तुमने मिलवाया। अच्छा देखती हूँ। चाची जी
ये रुपए कैसे चंदा? साहब साहब मालकिन, हाँ हाँ मैंने रुपए दिए हैं, तेरा दम तू निकला जा रहा है। अरे इसके भाई की जमानत के लिए 1000 रुपए चाहिए, अब बताओ वो कोई गैर है? अगर वक्त पे हम काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? हाँ ठीक, तो चंदा इन्हें भेज दो ना। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बहू रानी। हिम्मत के सहारे कब तक जी मास्टर जी? मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे लिखने वाले ने मेरी तकदीर में ठोकर ही लिखी। बहू रानी ऐसा ना कहो। मास्टर जी शायद इस दुनिया से इंसाफ ही उठ गया है। आज की दुनिया में झूठे भलते फूलते हैं और सच्चे अपनी किस्मत को रोते हैं। कब तक अपने आप को यहाँ छिपाए पड़ी रहूं? जब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए। उसके घर में देर है अंधेर नहीं बहू रानी, उस पर भरोसा रखो, एक न एक दिन वो जरूर हमारी सुनेगा। बहन जी, ओ बहन जी। बहू रानी चंदा आ रही है, शायद इसी के जरिए फिर अपना काम बन जाए, आप जाइए। लो बहन जी 1000 रुपए, मास्टर जी कहाँ हैं? अभी मनी ऑर्डर करा दो। दे दिए माँ जी ने, कुछ कहा तो नहीं? जी नहीं, जरा सी तू तू मैं होने के बाद फौरन निकाल के दे दिए। लाखों में एक है हमारी माँ जी। और बहन जी मैं सच कहती हूँ, अगर उनकी भतीजी इस घर में आ गई होती तो 1000 क्या 10000 मिल जाते। अच्छा, भतीजी के आने में रुकावट क्या है चंदा? अजी अशोक बाबू की शादी में वो बड़ी जलील होकर गई थी इस घर से। अच्छा, तो ये बात है। माँ जी तो उसे इसलिए लाई थी कि अशोक बाबू से उसकी शादी करवा देंगे, मगर शादी हो गई आशा से, फिर भला वो कैसे आ सकती है? चंदा भतीजी आ सकती है। वो कैसे? एक तरकीब है, लेकिन रहने दो, मुझे घर के झगड़ों से क्या मतलब? बताओ ना बहन जी, देखना दिन रात माँ जी सोचती रहती हैं, मगर उन्हें कोई तरकीब नहीं सोचती। बस एक बार वो इस घर में आ जाए, अशोक बाबू को समझा बुझा कर फौरन फेरे पड़वा देंगी माँ जी। लेकिन शायद वो ये तरकीब करेंगी नहीं। वो और अपनी भतीजी के लिए ना करें? अरे बहन जी तुम बताओ तो सही, वो तो अपनी भतीजी के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगी। अच्छा, तो सुनो, आशा ही की वजह से वो गई थी और आशा ही की वजह से वो आ सकती है। वो कैसे? आशा ने किशोर को जहर देने की कोशिश की थी ना? बिल्कुल बहन जी, चुड़ैल ने दे ही दिया था, वो तो बाल बाल बच गया बेचारा। वो जहर आशा ने नहीं, तुमने दिया। मैंने? नहीं नहीं बहन जी, मैं कैसे दे सकती थी? अरे तुम क्यों घबरा गई? जहर तो आशा ने ही दिया था। मगर चंदा, अगर चाची जी अपनी भतीजे को लिखें कि तुम्हारा बदला लेने के लिए, आशा को घर से निकलवाने के लिए मैंने चंदा से किशोर के दूध में जहर मिलवाया, इल्जाम आशा पर लगवाया और तुमसे भी ज्यादा जलील करके उसको घर से निकलवाया, तो वो चिट्ठी पढ़ते ही फौरन चली आएगी। लेकिन बहन जी ये तो झूठ है, मैंने तो जहर दिया नहीं। चंदा, अगर थोड़ा सा झूठ बोलने से किसी का फायदा हो जाए तो झूठ बोलना पाप नहीं। मैं तो कहती हूँ कि तू खूब नमक मिर्च लगाकर लिखवा दे ताकि वो जल्दी आ जाए। ठीक है, मैं माँ जी से कहूंगी कि ये तरकीब मुझे बहन जी ने बताई है। अरे ठहर चंदा, तू भी बड़ी भोली है, मैं तो 4 दिन के बाद चली जाऊंगी। तू कह कि ये तरकीब तेरी है ताकि माँ जी की आंखों में तू और भी चढ़े। मैं अभी जाके लिखवाती हूँ। लेकिन बहन जी तुम तो नहीं कहोगी माँ जी से? अरे मैं काहे को कहने लगी किसी से, तू जा।
अरे वाह बहू रानी वाह, रहीम जी कह गए हैं कि खीरे का मुंह काट के दीजे नून लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए, अर्थात पापी को पापी ही की चाल से मारना चाहिए। मैं अभी खत लिखती हूँ, तू जरा लिफाफा तो ला। अभी लाई मालकिन। मालकिन लिख दिया? हाँ लिख दिया। मालकिन मेरे बारे में भी लिख दिया कि चंदा ने भी जान लड़ा दी थी आशा को निकलवाने के लिए। हाँ हाँ सब कुछ लिख दिया है, तू चिंता ना कर, अगर मेरी भतीजी इस घर की रानी बन गई तो तू राज करेगी चंदा। बस बस मालकिन, लाओ जल्दी मैं डालाऊं। ना ना इस वक्त नहीं, बहुत रात हो गई है, फजूल कोई शक करेगा, सुबह डाल देना। अच्छा ये क्या किशोर, लाओ मेरा खत। नहीं, नहीं देंगे। लाओ मेरा खत दे दो। मास्टर जी मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता, लाओ मेरा खत। अरे वाह, हम अपने भाई को खत भेज रहे हैं, तुम ये खत लेकर क्या करोगे? मैं कुछ भी करूं मगर ये खत तुम्हारे भाई के पास नहीं जा सकता और ना ही भतीजी के पास। अरे मैं अशोक बाबू से कह दूंगी मास्टर जी। हाँ कह दो, इस खत को अब अशोक बाबू ही पढ़ेंगे। हाँ राम, ये कब से बदला ले रहे हो? अरे मैं जान दे दूंगी मगर खत नहीं दूंगी। ओ, 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 क्या रहा है तुम्हारा बलराज जी, जी, अरे बलराज जी, जी इसको रोको 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 इसको, और जब तक हम अशोक बाबू के पास न पहुँच जाए इसका अंदर आना मना है। बिल्कुल मना है मास्टर जी, बिल्कुल मना है। बलराज मुझे अंदर जाने दे। नहीं जाने दूंगा, तेरा मुर्दा निकले तेरा सत्यानाश हो। अशोक बाबू, अशोक बाबू, अशोक बाबू। अरे बुढ़िया कहाँ चिट्ठी लेकर जाती है इधर से? अरे मास्टर जी, अरे मेरी चिट्ठी दे दो, दे दो मास्टर जी। नहीं देता। नहीं मैं माँ जी से कह दूंगी। कह दे, दे दो तुम। माँ जी, माँ जी। क्या है चंदा? मास्टर जी ने खत छीन लिया। अशोक बाबू, अशोक बाबू। क्या है मास्टर जी? ओ अशोक बाबू, अशोक बाबू ये खत पढ़िए। देखो मास्टर, ये बात अच्छी नहीं, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें क्या हक है दूसरे का खत खोलने का? इसने अपने भाई को खत लिखा है, कुछ भी लिखा हो। चंदा ले ले अपना खत। अरे चंदा, अशोक बाबू आप इस खत को पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा ये खत चंदा अपने भाई को भेज रही है या कि चाची जी अपनी भतीजी को, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आशा देवी ने किशोर को जहर देने की कोशिश की या चाची जी ने उसे यहाँ से निकलवाने के लिए जाल बिछवाया। आशा जी। हाँ जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप पढ़िए तो सही इसको। मास्टर जी ये तो कोरा कागज। कोरा कागज? ए मास्टर शर्म नहीं आती, कल जरा मना कर दिया रुपयों के लिए तो ये चाल चलने लगे। रुपए? हाँ रुपए। अशोक कल मांग रहा था मुझसे 1200 रुपए अपनी बहन के लिए, नहीं दिए तो लगा झूठे इल्जाम लगाने। अरे भाई मुझे तो गृहस्थी चलानी है, कैसे लुटा दूं अपना घर? मास्टर जी आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं अशोक बाबू, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। तो फिर बता ना कहाँ है वो खत? डैडी ये है वो खत। हाँ बेटा, हाँ मेरी लाज रख ली तुमने। ये क्या हो गया मास्टर जी? क्या ये सब कुछ चाची जी ने किया था? आशा बिल्कुल निर्दोष थी,
कि मैंने क्या किया। अजाने आशा बिचारी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। डैडी मम्मी यहीं है। कहाँ बेटे, कहाँ मास्टर जी। मेरी बहन के रूप में बहू रानी आशा। आशा मुझे माफ कर दो, आशा मुझे माफ कर दो। साहब आशा मुन्ना मुन्ना कहाँ है? आशा मुन्ना कहाँ है? कि मैं क्या किया, सब कुछ मेरे से हुआ। मुझे माफ कर दो आशा, मुझे माफ कर दो। चाची जी ने जहर खा लिया। चाची जी ने जहर खा लिया आशा, चाची जी ने जहर खा लिया। चाची जी बेटा जाओ, तुम खेलो जाकर, चलो चलो भाग जाओ। ठहर चंदा। टूट गया, मर गई, बचाओ मुझे। ठहरिए ठहरिए। चंदा के भाई गुलाबी आम ईमानदारी से कर अपना काम, अर्थात ये लीजिए अपने 1000 रुपए। मास्टर जी आपने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है, एक एहसान और कीजिए। हाँ हुक्म कीजिए। ये रुपए आप ही रख लीजिए। नहीं अशोक बाबू, ये नहीं होगा। मास्टर जी आप मेरी बात भी नहीं मानेंगे। बहू रानी आप रख लीजिए। अच्छा आप फूले फले और खुश रहें, यही मेरा आशीर्वाद है बेटा।